दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी के शिकंजे में हैं, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करने वाले केजरीवाल सत्येंद्र जैन के मामले में चुप हैं। जबकि विपक्ष सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जैन के बहाने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मंत्री पद पर अभी तक बने रहने के मामले पर जैन पर सवाल उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि काले धन के मालिक सत्येंद्र जैन को क्यों बचा रहे हैं केजरीवाल। स्मृति ईरानी ने सीएम केजरीवाल को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन भ्रष्ट आदमी है जिन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्लीन चिट दिया है। आखिर केजरीवाल सत्येंद्र जैन को क्यों बचा रहे हैं? स्मृति ईरानी ने केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या केजरीवाल इसको नकार सकते हैं कि सत्येंद्र जैन ने चार शेल कंपनी के परिवार की मदद और हवाला ऑपरेटर के सहयोग से 2010 से 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की। उन्होंने कहा कि डिवीजन बेंच ने इस बात की पुष्टि की कि सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी है। क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? उधर बीजेपी के आरोपों के बाद अब केजरीवाल ने भी जवाब दिया है। उनका कहना है कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार आदमी हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि जैन ने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है जिसे दुनिया भर के लोग देखने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण मिलना चाहिए। बता दें कि अपने मंत्री का इस्तीफा लेने के बजाय केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बीते दिनों से ही ईमानदार आदमी घोषित करने में जुटे हुए हैं। जबकि ईडी ने सत्येंद्र जैन का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। अब देखने वाली बात होगी कि जैन का इस्तीफा केजरीवाल लेते हैं या उनके ईमानदारी का ढोल पीटते रहेंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।